अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज मैं आपको ब्लॉगर में आर्टिकल राइट करने का बेस्ट मेथड शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत से यूट्यूबर्स करेक्ट मेथड नहीं शेयर करते, या करते हैं तो बहुत कुछ स्किप भी कर जाते हैं। तो आज मैं आपको आर्टिकल राइट करना सिखाऊंगा और ब्लॉगर में कैसे लगाना है उसका तरीका भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको अपना आर्टिकल दिखा देता हूँ, जो कि आपने इस तरीके का आर्टिकल राइट करना है, जो कि गाइज ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल आपने इस तरीके से राइट करना है, जो कि अच्छा भी लगे और एक यूनिकनेस भी आती है। मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ जो कि आपने यूज करना है। गाइज, आपने सबसे पहले न्यू टैब पर आ जाना है। इसमें गाइज आपने सर्च कर लेना है अपना कोई भी आर्टिकल जो आप लिखना चाहते हैं, या किसी भी नीच पे आप लिखना चाहते हैं आर्टिकल। जैसे कि गाइज मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉगर अकाउंट, तो गाइज इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा। तो गाइज आपने इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे जो भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे गाइज, उनमें से आपने कोई भी अच्छा सा आर्टिकल जो है वो उठा लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं, मैं इस आर्टिकल को जो है वो कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद गाइज आपने इसको डायरेक्ट नहीं पेस्ट करना, क्योंकि आपको आर्टिकल का इशू आ सकता है, जो कि आपके एडसेंस के लिए भी इशू बन सकता है। तो गाइज आपने इसको पिन बूट वगैरह में जो है इसको रीराइट कर लेना है, जिससे गाइज आपका आर्टिकल जो है यूनिक हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले आपने वर्ड ओपन कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आपने सबसे पहले स्विन बूट ओपन कर लेना है, या आप गाइज इसके अलावा भी कोई भी रीराइट टूल यूज कर सकते हैं, जिस पर गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप किसी भी टूल का यूज करना चाहते हैं तो गाइज मैंने उस वीडियो में सब टूल्स बता दिए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। गाइज आप स्पिन बूट भी यूज कर सकते हैं। इस पर गाइज आपने सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल आपने कॉपी कर लेना है। इसको गाइज आपने रीराइट भी कर सकते हैं, या गाइज आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो गाइज ये मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। आर्टिकल रीराइट कर लिया है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, जो कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो गाइज ये मैंने आर्टिकल का गाइज मैंने टाइटल कॉपी कर लिया है, जो कि रीराइट कर लिया है। गाइज आप देख सकते हैं इसको मैं सेंटर में कर दूंगा, जो कि मेन टाइटल है। नेक्स्ट गाइज आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे गाइज आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है और इसको स्पिन कर लेना गाइज। स्पिन करने के बाद गाइज आपने इसको अगेन कॉपी कर लेना है और अपने वर्ड में डिस्क्रिप्शन के नीचे गाइज यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं, इस तरह करने के बाद गाइज इनको जो आपने अनबोल्ड कर देना। नेक्स्ट गाइज आपने पैराग्राफ ऐड कर लेना है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं पैराग्राफ में मैंने स्टेप्स ऐड करने हैं। तो गाइज मैं स्टेप्स को जो है रीराइट कर लेता हूँ। रीराइट करने के बाद गाइज इसको मैं कॉपी कर लूंगा। नेक्स्ट गाइज इसको हमने ऐड करके इसको बोल्ड कर लेना है, जो कि ये हमारा क्वेश्चन में ही ऐड होता है, जो कि गाइज आपने इसको बोल्ड कर लेना है ताकि ज्यादा ये वाजिया हो जाए। नेक्स्ट गाइज हमने पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं, जो कि गाइज ये बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो मैं इनको एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ। ये गाइज आप देख सकते हैं मैंने सारा आर्टिकल जो है वो एक दफा ही कॉपी कर लिया है। स्पिन बूट में गाइज आप देख सकते हैं हम 10,000 वर्ड्स तक स्पिन कर सकते हैं, जो कि एट अ टाइम हम 10,000 वर्ड्स तक स्पिन इजीली करवा सकते हैं। तो गाइज इस पूरे आर्टिकल को मैंने स्पिन कर लिया है। नेक्स्ट गाइज मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके गाइज मैं वर्ड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये गाइज आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकल जो है वो पूरा बन चुका है, जो कि अब हमने इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग गाइज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो कि गाइज फॉन्ट आपने इसके एरियल रख लेना है, जो कि एरियल ही बेस्ट होता है। तो गाइज आपने इसका फॉन्ट जो है वो सबका एरियल करना है, आर्टिकल्स का आपने हमेशा फॉन्ट एरियल ही रखना है। उसके बाद गाइज आप इसका साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाइज आप देख सकते हैं सेटिंग आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह के गाइज मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ताकि आपका आर्टिकल यूनिक और परफेक्ट लगे। तो गाइज इसी तरह आपने अपने आर्टिकल को एडजस्ट कर लेना है, जो कि गाइज आर्टिकल की सेटिंग करने के बाद गाइज आपने इसको आर्टिकल को कॉपी कर लेना है और इसको अगेन गाइज आपने इसको एरियल पे रख लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट गाइज आप इसका साइज अपनी मर्जी से चेंज कर सकते, जो कि मैंने 13.5 इसका साइज रखा है। नेक्स्ट गाइज ये मैं डिस्क्रिप्शन और पैराग्राफ रिमूव कर दूंगा, जो कि गाइज आपको सिर्फ बताने के लिए था, अदरवाइज गाइज आपने डिस्क्रिप्शन और पैराग्राफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसको खत्म कर देना, जो कि गाइज मैंने आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट गाइज आपने अपने ब्लॉगर पर वापस आ जाना है और न्यू पोस्ट पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपने अपना आर्टिकल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और गाइज ये जो आपने टाइटल मेन ऐड किया था गाइज, इसको आपने यहाँ से कट करके टाइटल में पेस्ट कर देना है। ये गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसका जो टाइटल
टाइटल है वो टाइटल में ही पेस्ट किया है, आपने भी सेम एज इट इज टाइटल में पेस्ट कर लेना है। और गाइज यहाँ पे आपने जो स्पेसिस है वो खत्म कर लेनी है। नेक्स्ट गाइज आपने मिड में कोई भी पिक एड कर लेनी है जो की आप लगाना चाहते हैं। लेकिन गाइज आपने गूगल से कोई पिक कॉपी नहीं करनी जो की आपको कॉपीराइट का इश्यू वगैरह आ सकता है, तो आपके एडसेंस में भी इश्यू बन सकता है जब आप अप्रूवल लेंगे। तो गाइज आपने इन चीजों का लाजमी से ख्याल कर लेना है, जो कि गाइज आपने आर्टिकल को यूनिक रखना है। और इसके अलावा गाइज आपने कोई भी इमेज यूज करनी है तो आपने कॉपीराइट फ्री इमेज यूज करनी है, जो कि गाइज मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में दे दिया है और लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे आप गूगल फ्री इमेजेस यूज कर सकते हैं, जिसपे गाइज आपको अप्रूवल में भी कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको इजिली अप्रूवल भी मिल जाएगी और एडसेंस पर कोई इश्यू या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गाइज ये आपने लाजमी ख्याल कर लेना है, वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, लाजमी से वॉच कर लें। गाइज मैं इसके लिए कोई भी इमेज ऐड कर लेता हूं, जो कि गाइज आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूं। जैसे कि मैं अपने ओल्ड आर्टिकल में से कोई इमेज उठा लेता हूं। आपने गाइज वीडियो को वॉच करके तो सेम एज इट इज आपने फ्री इमेजेस यूज करनी है। तो गाइज ये मैंने इमेज यहाँ पे ऐड कर दी है। इमेज ऐड करने के बाद गाइज आपने इसको एक्स्ट्रा लार्ज पर रख लेना है, जो कि गाइज मैंने एक्स्ट्रा लार्ज पे इसको कर लिया है। नेक्स्ट गाइज आपने इमेज पर क्लिक कर लेना है, इसमें गाइज आपने वही टाइटल सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और सेव पर गाइज आपने यहाँ क्लिक कर लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं आर्टिकल हमारा जो है वो बन चुका है, जो कि गाइज अब हमने इसकी सेटिंग वगैरह कर लेनी है, जो कि ब्लॉगर में सेटिंग करते हैं। आपने यहाँ पे गाइज लेबल अपना कोई भी ऐड कर लेना है जो भी आपके पोस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि गाइज मेरा ब्लॉगिंग टिप से रिलेटेड है तो मैं इसको ब्लॉगिंग में ही ऐड करूंगा, ये गाइज आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप अपना लेबल खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर आप किसी और पे बनाना चाहते हैं तो गाइज आप यहाँ पे ब्लॉग टिप्स ये ऐड कर सकते हैं। इस तरह गाइज आपने लिख लेना है और अपने लेबल को ऐड कर लेना है। तो गाइज मैंने ऑलरेडी लेबल्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि ब्लॉगिंग टिप्स पर है, तो मैंने गाइज ब्लॉगिंग में इसको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट गाइज आपने पब्लिश्ड ऑन में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा और आप अपनी मर्जी की डेट वगैरह और टाइम भी ऐड कर सकते हैं, जो कि अगर आप शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो गाइज आप शेड्यूल में भी इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आप लिंक्स पर क्लिक करें तो ये गाइज आप देख सकते हैं आपको लिंक मिल जाएगा। गाइज अगर आपके ये लिंक्स के अलावा परमा लिंक्स हो तो गाइज ये भी वही होता है, तो गाइज आपने इसमें परेशान नहीं होना, लिंक्स और परमा लिंक्स एक ही होते हैं। नेक्स्ट गाइज लिंक्स में आने के बाद ये गाइज आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक परमा लिंक और कस्टम परमा लिंक, आपने कस्टम परमा लिंक पर क्लिक कर लेना है। कस्टम परमा लिंक पर गाइज आपने ये क्लिक करने के बाद आपने जो मेन टाइटल ऐड किया हुआ है गाइज आपने इसको कॉपी कर लेना है। मेन टाइटल को कॉपी करने के बाद गाइज आपने अपने वर्ड पर वापस आ जाना है। वर्ड पर वापस आने के बाद गाइज यहाँ पे आपने अपना मेन टाइटल ऐड करना है और इसको गाइज आपने सारे लेटर्स इसके स्मॉल कर लेने हैं। जैसे कि गाइज स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हाउ की जगह मैंने एच छोटा कर दिया, जो कि गाइज आपने सबके लेटर्स जो है वो स्मॉल कर लेने हैं। स्मॉल करने के बाद गाइज ये जो इसमें स्पेसेस आ रही हैं इसको आपने खत्म कर लेना है। स्पेसेस खत्म करने के बाद गाइज आपने इन स्पेसेस की जगह आपने माइनस ऐड कर देना है, जो कि गाइज ये मैंने ऐड कर दिया सेम एज इट इज आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ताकि गाइज ये आपने इसको लिंक बनाना है। और गाइज आपने जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल में लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स होने बहुत जरूरी हैं, तो गाइज ये आपने लाजमी ख्याल कर लेना है स्मॉल लेटर्स में गाइज आपने वर्ड्स को लिखना है। तो गाइज इसको आपने अब कॉपी करके कस्टम परमा लिंक में गाइज आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो है लिंक बन चुका है, जो कि गाइज अगर आपके यहाँ पे माइनस नहीं ऐड हो रहा तो गाइज ये आपने लाजमी से कर लेना है, इसमें स्पेसेस वगैरह नहीं देनी। तो गाइज इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट गाइज लोकेशन पे आ जाना है, इसमें गाइज अगर आपके पाकिस्तान से रिलेटेड है पोस्ट तो गाइज आपने यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर लेना है, अदरवाइज गाइज आपने इसको स्किप कर देना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो ये वर्ल्ड वाइड में ज्यादा आर्टिकल रैंक होगा। तो गाइज ये आपने लोकेशन जो है वो ऐड नहीं करनी अगर आपके पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, तो गाइज आपने इसमें लोकेशन जो है वो स्किप कर देनी है। नेक्स्ट गाइज सर्च डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, इस पर गाइज आपने अपने आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई भी कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे गाइज आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, वही यहाँ पे गाइज आपने पेस्ट कर देनी है। और गाइज एंड पे आपने थ्री डॉट्स ऐड कर लेने हैं, जो कि आपने एक वर्ड कम करके थ्री डॉट्स आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। हमारी पोस्ट जो है टोटली तैयार हो चुकी है, जो कि हमारा आर्टिकल जो है वो रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद गाइज आपको एक ऑप्शन और बता दूं, जिसमें गाइज आपने प्लैगरिज्म चेक लाजमी से कर लेना। तो गाइज यहाँ पे आपने अपना आर्टिकल पेस्ट कर लेना, प्लैगरिज्म टूल में आने के बाद आर्टिकल पेस्ट करने के बाद गाइज आपने आई एम नोट अ रोबोट पर क्लिक कर लेना है और चेक प्लैगरिज्म पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है।
गाइस ये आप देख सकते हैं प्लैगरिज्म जो है 94% यूनिक है और 6% जो है वो कॉपी हुआ है। तो गाइस ये जो 6% कॉपी हुआ है इसको हमने यूनिक बना लेना है। दोबारा से गाइस इसके अंदर जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं गाइस, इसमें जो रेड लाइंस आई हुई है गाइस, इसको आपने खत्म कर लेना है या आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये गाइस हमारी लाइंस जो है वो कॉपी हुई हुई है। तो गाइस इसको आपने यूनिक बनाने के लिए या तो गाइस आपने इसको रिमूव कर देना है, या गाइस अगर आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो गाइस आप इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर खुद से वर्ड्स वगैरह ऐड कर देते हैं तो गाइस ये यूनिक हो जाएगा आर्टिकल। तो गाइस आपने इसी तरह कर लेना है, जो कि मैं गाइस इसको रिमूव कर देता हूं। रिमूव करने के बाद गाइस ये आप देख सकते हैं आपने सेम एज इट इज इसको कर लेना है। करने के बाद गाइस आपने इसको अगेन प्लैगरिज्म चेक कर लेना है। जब गाइस 100% यूनिक आ जाए तो गाइस आपने इस आर्टिकल को जो है पब्लिश कर देना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बता दिया है। तो इसके अलावा गाइस मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, जो कि आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल जो है रेडी कर लिया है। पब्लिश करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ये गाइस आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकल जो है वो रेडी हो चुका है, जो कि पब्लिश भी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं गाइस आर्टिकल परफेक्टली बन चुका है। नेक्स्ट गाइस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल की एसईओ कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हैं ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे। तो गाइस इसके अलावा भी मैं आपको वर्डप्रेस का भी बताऊंगा, जो कि आप अपने वर्डप्रेस पे कैसे आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं और अपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।